हेलो फ्रेंड, वंस अगेन वेलकम इन अभियांत्रिकी और इस जावा के प्लेलिस्ट में। दोस्तों, ZDK के इंस्टॉलेशन के बाद और पाथ वगैरह सेट करने के बाद आज का जो ट्यूटोरियल है उसमें हम बात करेंगे कि जावा के फर्स्ट प्रोग्राम कैसे बनते हैं, उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं और आते हैं उस चीज़ को समझते हैं अच्छी तरीके से। देखो, रिक्वायरमेंट क्या है कि सबसे पहली चीज़, अगर आपको जावा के प्रोग्राम को बनाना है तो ZDK आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए। दूसरी चीज़, पाथ भी सेट होना चाहिए, चाहे वो आप टेम्परेरी पाथ सेट किए हो और चाहे वो आप परमानेंट पाथ सेट किए हो। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप पीछे की वीडियो जरूर देख लीजिएगा, जहां पे हमने काफ़ी अच्छी तरीके से बताया है कि टेम्परेरी और परमानेंट पाथ को सेट कैसे किया जाएगा। दूसरी चीज़ क्या होती है कि जैसे ही हमारी ये दोनों रिक्वायरमेंट क्लियर हो जाती हैं, देन हम तीसरी कॉन्सेप्ट पे आते हैं और अपना जावा प्रोग्राम लिखते हैं कहीं ना कहीं पे। तो जावा प्रोग्राम को लिखने के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, लेकिन एट अ बिगिनर्स और बिगिनिंग कंडीशन पे हम नोटपैड का ही इस्तेमाल करते हैं, जब तक कि हमें अच्छे से जावा आ ना जाए, जावा का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर ना हो जाए, तब तक हम नोटपैड के कॉन्सेप्ट को करते हैं। चलिए, जो सबसे पहली ओपन नोटपैड, नोटपैड को आप ओपन कर लो अपने लैपटॉप में। इतनी सारी चीज़ें होने के बाद नोटपैड को ओपन करिए। ओपन करने के बाद एक चीज़ दोस्तों, और जो जावा होती है ना, वो होती है केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या कि जो चीज़ कैपिटल में लिखा है उस चीज़ को आप कैपिटल में लिखिएगा, जो चीज़ स्मॉल में लिखा है उस चीज़ को स्मॉल में लिखिएगा। अगर उसमें आप छेड़छाड़ कर रहे हैं देन एरर्स फाइंड आउट होंगे, आपको वार्निंग्स आएंगे जब आप जावा प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे। तो चलिए, ये तो आगे की बात है, हम पूरे वार्निंग्स पे भी डिस्कस करेंगे कौन सी वार्निंग और कौन सी एरर कैसे कहाँ गलती करने पे आती है। बट अभी इस चीज़ को ध्यान रखिए कि जावा केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, लिख लेना, केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। हमने क्लास लिखा, क्लास में देखो सी इस्तेमाल है, बाकी सारी चीज़ें इस्तेमाल है। क्लास का नाम दिया हमने, क्लास क्या है, कीवर्ड है, क्लास एक कीवर्ड है, अभी आगे समझेंगे, पहले हम समझते हैं प्रोग्राम क्या बनाना है। तो अभियांत्रिकी नाम का हमने क्या कर दिया, एक क्लास बनाया। ये अभियांत्रिकी आप कैपिटल लिख सकते हो, इस्तेमाल लिख सकते हो, ये यहाँ पर केस सेंसिटिव कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसके सिंटैक्स में क्लास आपको स्मॉल लेटर ही लिखना है। तो हमने क्या किया, क्लास लिखा और क्लास का नाम दिया अभियांत्रिकी। देन हमने ब्रेसेस ओपन किए, ब्रेसेस ओपन करने के बाद इसका मेन मेथड हम लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS। कहोगे सर इसको क्यों लिखा जाता है, तो इस पर एक मैं स्पेशल वीडियो आपको बनाऊंगा, क्योंकि अभी मैं एट अ बिगिनिंग पोजिशन पर ही आपको समझाने की कोशिश करूँ तो शायद आप ना समझो। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS हम लिखेंगे, ओपन ब्रेसेस करते हैं, देन हम लिखते हैं system.out.println और जो चीज़ें हमें लिखने की जरूरत होती है वो यहाँ पे हम लिख देते हैं, जो हमें आउटपुट के रूप में चाहिए वो चीज़। और दोनों इस ब्रेसेस को क्लोज करते हैं, यहाँ पे मेन मेथड को क्लोज किया और यहाँ पे हमने क्लास को क्लोज किया। फ्रेंड्स, समझो आप अच्छी तरीके से, हमने क्या किया, क्लास अभियांत्रिकी दी, ठीक है। तो क्लास एक कीवर्ड है और क्लास का नाम अभियांत्रिकी, हम अभियांत्रिकी नहीं कुछ भी लिख सकते हैं क्लास का नाम, कोई जरूरी है अभियांत्रिकी, आप अपना नाम दो, सोनू मोनू गोलू जो देना चाहो उस नाम से आप क्लास बना सकते हो। हमने क्या किया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखा, इस चीज़ को दोबारा समझा रहा हूँ, स्ट्रिंग ARGS आपको लिखना है जब भी आपको प्रोग्राम रन कराना है, इस चीज़ को लिखना पड़ेगा। देन आपको system.out.println हमने लिख दिया हेलो जावा। अब क्या करता है ये लाइन, ये लाइन क्या करता है, इतनी सारी चीज़ें लिखने के बाद जब हम कंपाइल कराते हैं और एग्जीक्यूट कराते हैं तो हमें आउटपुट के रूप में सिर्फ मिलता है हेलो जावा, इससे ज़्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है। मतलब हमें एक चीज़ तो समझ में आ गया कि system.out.println में हम वो चीज़ को लिखते हैं या ये मेथड उस काम में आता है जो हमें आउटपुट के रूप में चाहिए। अगर हमें हेलो जावा चाहिए तो हेलो जावा, आगे हम वेरिएबल्स पढ़ेंगे तो उन सारी चीज़ों के कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे। इस प्रोग्राम को लिखने के बाद, इतना करने के बाद दोस्त हम आते हैं और इस नोटपैड के फाइल को हमें सेव करना होता है। सेव करते समय जब भी हम जावा के प्रोग्राम को सेव करते हैं उस समय हमें कुछ चीज़ों को फोकस करके करना चाहिए। क्या वो होता है कि जब भी हम सेव करेंगे फाइल का नाम क्लास के नाम से ही रहेगा, जब भी हम सेव करेंगे तो फाइल का नाम क्या होगा, क्लास के नाम से रहेगा और उसका एक्सटेंशन क्या रहेगा, डॉट जावा। मतलब क्या कि अगर हमें इस फाइल को सेव करना है, यहां फोकस करिएगा, इस फाइल को सेव करना है तो कंट्रोल प्लस एस हम करेंगे नोटपैड पे और फिर हम लिखेंगे क्या, हूबहू जैसा ये लिखा हुआ है, एक भी वर्ड मिस नहीं होना चाहिए। कैपिटल मैंने बताया कि केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब जहां कैपिटल वहां कैपिटल, जहां स्मॉल वहां स्मॉल। हम क्या करेंगे यहां पर, अभियांत्रिकी डॉट जावा के नाम से सेव कर देंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये फाइल आपकी सेव हो गई,
अभी बात करेंगे अलग से, जो हम आपको इस चीज़ को जब हम स्क्रीन पे बताएंगे तो वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा, लेकिन एक बार यहाँ समझिए कि इस फाइल को कहाँ सेव करेंगे, वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं, उस चीज़ को मैं बताऊंगा कि किसी भी पाथ पे आप सेट कर देते हो, JDK के फोल्डर में आप सेट कर सकते हो। उसके बाद क्या करने की ज़रूरत होती है दोस्तों, अगर हमने फाइल को सेव कर लिया देन हमें उसको कंपाइल कराना है, और जावा का जो कंपाइलर होता है उसे हम जावा सी नाम से जानते हैं, जावा का जो कंपाइलर होता है उसको हम जावा सी नाम से जानते हैं। तो कंपाइल कराने का मेथड होता है यहाँ पे बहुत ही अच्छा, वो मेथड होता है जावा सी, फाइल का नाम देते हैं डॉट जावा एक्सटेंशन के साथ, जावा सी डॉट फाइल, सॉरी फाइल का नाम और डॉट जावा। एक चीज दोबारा से मैं बता दूं आपको कि कंपाइल कैसे कराओगे आप, तो CMD तो आपको ओपन नहीं करनी होगी, और सेट पाथ आपने सेट कर लिया जावा सी फाइल नेम और जावा एक्सटेंशन के साथ, ये किस काम में आता है, तो प्रोग्राम को कंपाइल कराने का काम आता है। जैसे ही कंपाइल करा लोगे, इरर्स अगर नहीं फाउंड होता है, नो इरर्स, उस कंडीशन में आपको एग्जीक्यूट कराने की जरूरत पड़ती है। और जावा की फाइल एग्जीक्यूट कैसे होती है, तो जावा और सिर्फ फाइल का नेम, फाइल नेम मतलब अगर इसको करना हो कंपाइल आपको, तो क्या लिखोगे, जावा सी, इस प्रोग्राम का क्लास क्या था, अभियांत्रिकी, सेवा आपने किसके नाम की है, ऐसा अभियांत्रिकी, और यहां पे एक्सटेंशन देने की जरूरत पड़ेगी आपको डॉट जावा। जावा फाइल नेम मैंने बताया एग्जीक्यूट कराते समय, तो आपको सिर्फ जावा लिखनी है और क्या लिखना है, अभियांत्रिकी। इतना सारा चीज करने के बाद दोस्त आपका आउटपुट यहां पर आ जाएगा क्या, हेलो जावा, CMD पे शो कर देगा। तो थैंक्स फ्रेंड, आते हैं स्क्रीन पर और इस चीज को देखते हैं, काफी अब आप हमारे साथ बने रहिए, थैंक यू।